मित्रों आज हम बताने वाले हैं कि प्योरेट आरओ जो होता है, वाटर आरओ होता है जैसे ये लगा हुआ है, तो इस आरओ की लाइफ कैसे बढ़ाएं, यानी इस पे मोटर पे ज्यादा लोड ना पड़े, इसका जीवन काल अच्छा रहे, ये अच्छे से प्योरिफिकेशन करे वाटर का। तो ये हमारे पास जो लिप्योर का ये जो वाटर आरओ है लगा हुआ है, इसका बीच बीच में हम सर्विसिंग तो करवाते ही है, प्लस अपने तरीके से ही अपने घर पर भी थोड़ा बहुत इसका कुछ वर्क करते रहते हैं, जिससे ये प्रॉपर काम करता है और इसकी लाइफ अधिक बढ़ जाएगी। तो आज का मेन हमारा सब्जेक्ट है अपने इस लाइफ वर्क चैनल पर कि प्योरेट आरओ की जो है लाइफ कैसे बढ़ाएं कि अधिक समय तक सही प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। तो इसके लिए हम जैसे इसके अंदर जो फिल्टर होता है वो तो हम सर्विसिंग से करवाते हैं चेंज, लेकिन इसके बाहर ये जो प्री फिल्टर है, ये प्री फिल्टर आपको जरूर लगवाना है या खुद लगाना है। जैसे आप यदि सर्विस वाला आ रहा तो उससे लगवा सकते हैं प्री फिल्टर, या फिर खुद आप लगा सकते हो। इसका वीडियो मैंने लाइव वर्क चैनल में अपलोड कर दिया है, उसको देखकर आप लगा सकते हैं इसको। लेकिन मैं लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको आपको 100% लगवाना है, क्योंकि इससे जो हमारे नल से इधर से नल लगा हुआ है इस तरफ, इस नल से जो पानी आता है तो इसमें प्री फिल्टर में जो उसके हमारे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, वो इसमें हो जाते हैं, तो इसके अंदर नहीं जाते हैं। तो आज हम इसको बताएंगे कि इसमें लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बताए हैं कि इसको आपको लगवाना है प्री फिल्टर को, फिर आपको तीन तीन या चार चार महीने में इस प्री फिल्टर को आपको खोल के साफ करना है। तो अभी हम इस फिल्टर को खोलेंगे और खोलेंगे उसको बताएंगे कि इसमें देखिए धूल के और मिट्टी के कितने कण इसमें फिल्टर में फंसे हुए हैं, तो उसको निकाल करके और प्रेशर से हमें साफ कर देना है। तो हम अभी निकाल रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, इससे हमारा वाटर आरओ जो है अधिक समय तक काम करता रहेगा। हमारा वाटर आरओ चाहे लिप्योर का हो, चाहे केंट आरओ का हो, या सैमसंग का हो, किसी भी कंपनी का वाटर आरओ हो, प्री फिल्टर को समय समय पे सफाई करना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों जो लाइफ वर्क चैनल है हमारा, ये चैनल लाइफ से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें अपलोड करता रहता है, जो मेरी जिंदगी में आई हैं, आपकी भी आई होंगी, और अगर अभी नहीं आई होंगी तो आगे भी आएंगी। इसलिए आप हमारे लाइफ वर्क चैनल के सदस्य हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं हैं तो सदस्य बन जाइए, और सदस्य बनने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं छोटी छोटी बातें अपलोड करता रहता हूँ जो हमारे लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जीवन से रिलेटेड होती हैं। तो हम इसको खोलते हैं, देखिए ये टंगा हुआ है, इसको हम निकाल देते हैं इसमें से। सबसे पहले हमें निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो ओवरफ्लो वाला पाइप है तो इसमें कर देता हूँ। हमें इसको क्या करना है इसमें से, देखिए इसको हमें निकालना पड़ेगा, ये चीज है। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, इसमें ये पिन सी रहती है, ये पिन इसको अंगूठे से अंदर की तरफ दबाना है, ऐसे अंदर की तरफ पुश करना है। मैं थोड़ा इसको पास से दिखा देता हूँ कैमरे के द्वारा, देखिए ये हमारा गया, ये आरओ के पास हम पहुँच गए प्री फिल्टर के पास। देखिए इसको हम बताएंगे, देखिए ये है, आप देख रहे होंगे, देखिए ये है। तो इसको अंगूठे, देखिए ये मेरी उंगली है दोनों, इन उंगली से इसको अंदर की तरफ दबाना है, इसको अंदर की तरफ दबाना है। ये कॉलर है, जो कॉलर को अंदर की तरफ दबाना है। जब कॉलर को अंदर की तरफ दबाओगे तो ये पाइप बाहर की तरफ अपने आप आ जाएगा। तो कॉलर को हम अंदर की तरफ दबा देते हैं। अभी देखिए इसको थोड़ा टाइट हो गया है, देखिए ये हमने अंदर की तरफ दबाया और पाइप को बाहर की तरफ खींचना है। कॉलर को अंदर की तरफ दबाना है और पाइप को बाहर की तरफ खींचना है, तो ये निकल जाएगा। अभी निकल नहीं रहा है क्योंकि ये काफ़ी समय से लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों हाथों से इसको निकालता हूँ, ये को दोनों हाथों से मैं निकालूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए ये है, मैं दोनों हाथों से इसको निकालता हूँ, देखिए ये मैंने इसको दबाया अंदर की तरफ, देखिए ये निकल गया। पानी ऑन है अभी, लेकिन तो इसलिए इसमें इसको पानी को हमें बंद करना पड़ेगा। देखिए पानी इधर से निकल रहा है, मैंने गलती की, तो इसको नल से हमें पानी को बंद करना पड़ेगा। तो इस पानी को हम बंद कर देते हैं, इधर से हम पानी को बंद कर दे रहे ताकि पानी ना आए इसमें। देखिए हम पानी को बंद कर दिए, अब पानी नहीं आएगा इसमें। देखिए ये पानी आ रहा था, अब पानी हमने कहाँ से बंद किया, देखिए ये टोंटी लगी हुई है इधर पे दिख रही, तो हमने इससे पानी को बंद कर दिया। इससे इसमें एक हमने बटन लगवा रखा है, ये वाला बटन है, देखिए इसमें हम दिखा देते हैं, ये वाला बटन, इस बटन को हमने घुमा के पानी को बंद कर दिया, क्योंकि इसी से सप्लाई जा रही थी, व्हाइट वाले से इसी में जा रही थी, तो इसको हमने बंद कर दिया है। अब ये बंद हो गया है, और कोशिश करें कि इस बटन को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं।
अब हम इसको खोल दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो इसको खोल दिए हैं और इस तरफ वाले को भी खोल देते हैं, ऊपर वाले को। देखिए ऊपर वाला वैसे करना है, अंगूठे से दबाना है पिन को और ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से खोल देना। देखिए ये खोल दिया हमने। अभी खोलने के बाद अभी ये हम इसको निकाल ले रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ। देखिए ये निकाल लिया हमने इसको ऐसे, ठीक है ये निकल गया है, ये प्री फिल्टर है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, अभी हम इसको खोलते हैं। और इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, जो इनपुट हो उसको इनपुट में लगाना है, जो आउटपुट वाला हो आउटपुट में लगाना। देखिए अभी अपन ने निकाल लिया है तो ये तो पता नहीं चलेगा कौन किस में लगा था, तो इसको मैं बता देता हूँ। इसको धुल कर देंगे, ऊपर धुल देता हूँ मैं। देखिए मैं धुल रहा हूँ। देखिए देखिए इसमें ये एरो लगे हुए हैं और इधर पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इसमें इधर पे आउटपुट लिखा हुआ है, इधर पे आउटपुट आपको दिख रहा होगा, इधर पे लिखा रहता आउटपुट, इधर पे लगा रहता इनपुट। तो ध्यान रखना है कि जब अभी हम लगाएंगे दोबारा से इसको, तो इनपुट वाला इनपुट में लगना चाहिए, आउटपुट वाला आउटपुट में लगना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। हम इसको खोलेंगे, थोड़ा टाइट लगा रहता है। देखिए ये खुल गया है, इसको हम खोल रहे हैं और उसको अंदर से आपको दिखा रहे हैं कैसे क्या रहता है। देखिए ये जब मैंने ये लिया था तो ये वाइट रंग का था। देखिए अभी देखिए इसका कलर ऐसा हो गया है, आपको दिख रहा होगा ये पीला कलर हो गया। अभी हम इसको धुल के दिखाएंगे, आप ही खुद ही समझ जाओगे कि इसका कलर कैसा होना चाहिए। ये निकल गया है, ये प्री फिल्टर है, ठीक है ये इसमें लगा रहता है। हम इसको धुल लेते हैं पाइप से और फिर पाइप से धुलने के बाद आपको दिखा देते हैं। अब धुलने के लिए अपन को कहीं नहीं जाना है, ये वाला पाइप है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पाइप था जो इनपुट वाला पाइप। देखिए ये इनपुट वाला पाइप है, ये इसमें लगा हुआ है व्हाइट वाला, तो हम इसी से टोंटी से धुलेंगे, क्योंकि इसका डाया कम रहता है तो इसका प्रेशर अधिक आ जाता है, तो इसी से धुलेंगे हम। देखिए अभी धुल देते हैं इसको। देखिए इसको खोलेंगे इसी बटन को, देखिए बटन को खोल दे रहे हैं तो इसमें बहुत प्रेशर से पानी आएगा। फुल खोल देते हैं हम इसको फुल। देखिए इतने प्रेशर से पानी आ रहा है, ये प्रेशर अगर इसमें लगा देंगे खाली में तो आवाज आएगी, आवाज आ रही है। तो इसको क्या करना है, इसी से अपन को इसको धुलना है, इसको भी धुल देना है, इसको भी धुल देना है, क्योंकि इसके अंदर भी कचरा है। देखिए इसके अंदर भी कचरा जमा हुआ है पीला पीला, इसको भी हम साफ कर देंगे और इसको धुलते हैं अभी हम। अब देखिए जहाँ पर हमने ये लाइनिंग लगाई, देखिए इसके लिए जहाँ पर हम लाइनिंग लगाएंगे, ये मिट्टी है, ये धूल है, यही हमारे आरओ को वाटर आरओ को ख़राब कर देता है। देखिए जहाँ पे हम इसको लगाएंगे, देखिए जहाँ से लगा रहे हैं वहीं से देखिए ये आ रहा है। देखिए इस तरीके से धूल मिट्टी इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से ये आ जाती है इसमें। देखिए जहाँ जहाँ ये धूल निकल रही है इसकी, तो इस तरीके से आप 2-3 महीने में इसको करते रहिए इस तरीके से। देखिए हम इसको धुल रहे हैं इसी प्रेशर से, अब ये वाइट हो जाएगा बिल्कुल। ये चीज़ हम करते रहते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे आरओ पर, आरओ जो वाटर आरओ होता है, इस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको जब छना हुआ पानी मिलेगा तो इसमें उसको मिनरल्स ही सही करना पड़ेंगे, तो ये धूल मिट्टी इसमें पूरी फंस जाती है। इसलिए मैं रिक्वायर करता हूँ कि ये प्री फिल्टर आप ज़रूर लगवाएँ। अगर आप उनसे नहीं लगवाते तो खुद भी लगा सकते हैं हमारे वीडियो को देख करके, बहुत ही सरल है। और यदि वहाँ से लगवा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाला बहुत अच्छे से लगा देगा। तो इस तरीके से इसको लगवाएं। अब साफ करने के लिए तो आप खुद ही, आपके पास जो नौकर हो उससे करवा सकते हैं या आप खुद ही कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई हम जब सही पानी पिएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो इसको हम साफ करके भी दिखा देते हैं, आप इसको कंपेयर कर लेना दोनों को और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें देखिए कितनी धूल फंसी हुई थी इसमें। यदि आप चाहें तो और अधिक प्रेशर वाला कोई पाइप हो घर पर, मोटर वाला पाइप हो, तो उससे भी आप कर सकते हो। हम तो इसमें उसी आरओ वाले जिसमें जो इनपुट वाला पाइप था उसी से कर रहे हैं और आपको दिखा देते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से वो वाइट निकल आएगा, आपने पहले देखा था और अभी देख रहे होंगे ये बिल्कुल वाइट निकल आया, आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए ये वाइट निकल आया, पहले कैसा था अब कैसा हो गया। इस तरीके से आप इसकी सफाई करेंगे और इसको दो दो, एक एक दो दो महीने में, तीन तीन महीने में आप इस प्री फिल्टर को साफ करते रहिए, बहुत अच्छा आपका वाटर आरओ जो है काम करेगा। और हमारे लाइफ भर पर आप जुड़े भी रहिए, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो मैं खुद करता हूँ अपने घर पर और आप लोगों को बताता रहता हूँ, तो इस तरीके से आपका घर का काम अच्छा चलेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा।
सब लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जब अच्छा पानी पियेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। वाटर आरो अच्छा पानी देगा अपन को, क्योंकि अपने शरीर का 75% पार्ट जो होता है वो पानी से बना रहता है, इसलिए पानी को सही होना चाहिए सबसे पहले। तो इस तरीके से हमने इसको साफ कर दिया है अच्छे से, देखिए बिल्कुल एकदम चमक गया, वाइट हो गया है। आप पहले देखे थे और अभी देख रहे हैं, देखिए अभी देख रहे हैं कितना अच्छा हो गया एकदम। अब इसको हमने साफ कर दिया, इसको हम साइड में रख देते हैं। और हमने जो दूसरा वाला किया था, पानी को हम बंद कर देते हैं, अन्यथा पानी फैलेगा और पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। हम इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं, इसको तो इसमें पानी भर के इसको हाथ से साफ करते हैं अंदर से, क्योंकि ये हमारा पॉट है। देखिए ये पानी भर गया इसमें, अब इसको हम हाथ से साफ कर देते हैं। आपके पास गूंजा हो बर्तन वाला तो उस गूंजे से भी आराम से, शॉर्ट वाले गूंजे से इसको होल्डर को साफ करते हैं। इसके बाद देखिए ये साफ हो गया अंदर से बिल्कुल, देखिए इसमें व्हाइट दिखने लगा, जो पीला था बिल्कुल व्हाइट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से उठा करके जैसे का तैसा लगाना है इसको। देखिए ये हो गया, अब इसको हमें इसमें लगाना है। देखिए ये है दोनों, इसको हमें इसमें ऐसे डाल करके ऐसे करके, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है आज के समय में, और कोई भी बड़ा काम हो यूट्यूब आपके साथ रहता है, हमेशा कर सकते हैं। अब आपको वही ध्यान रखना है इनपुट का और आउटपुट का। तो देखिए ये व्हाइट वाला पाइप है, जो व्हाइट वाला पाइप देख रहे होंगे आप, ये इधर पे आके इनपुट में जुड़ा हुआ है, ये पूरा गया ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे गया पूरा इनपुट में। तो ये इनपुट वाले में लगाना है, ये इनपुट वाला है, ये इनपुट वाला लिखा रहेगा, आई एन लिखा रहेगा, तो इसमें हम जाके इसको ऐसे लगा देंगे। लगाने का तो तरीका बहुत अच्छा होता है। अब इसके बाद ये है, ये आउटपुट दे रहा, देखिए ये जो पाइप गया है, ये जो पाइप गया ये आर ओ से निकला है, देख रहे होंगे आप लोग, दिखा देते थे ये पाइप गया इधर से ऐसे, देखिए ये गया ऐसे ऐसे जाके, ये इनपुट इसमें आर ओ में गया। अब इसको इनपुट में लगाना है, तो इसको भी हमें ये आउट, ये इनपुट दे दिया हमने इसको, पानी का इनपुट चला गया, ये आउटपुट निकलेगा, छन के पानी निकलेगा। तो ये पानी निकल के इसमें, अब इसको हमें बिल्कुल वैसे ही लगाना, देखिए ऐसे सीधा पकड़ना है, ऐसे हमने सीधा पकड़ दिया, इसको इसमें घुसा देना है, तो ये लग जाएगा, लो लग गया, थोड़ा दबा देना है, थोड़ा दबा दोगे लग जाएगा। अब इसको इसी में टांग देते हैं, और टांगने के बाद हम क्या करेंगे इसमें, ये हम टांग देंगे पाइप को इधर कर देते हैं, इसको इधर टांग देते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऑन करेंगे जैसे ही इस बटन को, तो पानी की आवाज़ आएगी और पानी बहुत ही अच्छे से छनना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा रूटीन होता है, रूटीन में हम कर सकते हैं कभी भी, इससे काम तो छोटा है लेकिन आपके आर ओ की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये लगाया इसीलिए जाता है कि हमारा आर ओ पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो दोस्तों ये हमारी बात थी, जो हमने एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से लगा हुआ है बढ़िया। ये हमारी बात थी कि हम ये आर ओ जो हमारे पास है इसकी लाइफ को कैसे बढ़ाएं, क्या करें कि हमारे आर ओ की लाइफ अधिक बढ़ जाए। तो इसके लिए मैंने रूटीन जो था वो बता दिया। और दोस्तों कोई अच्छा ही हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि वीडियो में कोई बुराई हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि भाई आपने ये चीज़ गलत बताई या गलत था, क्योंकि आप हमारे लाइफ वर्क चैनल के सदस्य हैं, तो आपका पूरा अधिकार है ये कहने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।